अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? ठीक है, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे प्यारे बहन भाई जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज मैं बनाने लगी हूँ साग और पराठे। तो मैंने कहा चलें आपके साथ सुबह का नाश्ता शेयर करते हैं। तो ये मैंने सब्ज़ जो है लहसुन उसकी फूके और ये प्याज जो इसको बारीक बारीक सा काट लिया है और अब मैंने ये ऑयल में डाल दिया इनको। इनको फ्राई करके तो साग फिर मैं तड़क लूंगी, तड़का लगाएंगे साग को। और साथ ही मैं दूसरे चूल्हे पे चाय भी रख देती हूँ। ये देखे माशाल्लाह कितनी मलाई आई हुई है दूध के ऊपर। तो इतनी चाय नहीं हमने बनानी, बस थोड़ी बनानी है। तो मैं ये दूध जो है ना इसमें निकाल लेती हूँ और ये मलाई मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको निकाला करूँ, मैं फिर नहीं निकालती डिब्बे में। आज मैंने सुबह सुबह यही अपने बच्चों को बताया कि मलाई जो है ना मैं उतार के डिब्बे में डाल के इसका घी बनाती हूँ। पहले मैं बनाती थी फिर मैंने छोड़ दिया, वैसे ही मिक्स कर देती हूँ इसको। और यहाँ पे मैंने रात को वो बनाया था दूध और गाजरों का वो गजरेला। तो ये बच्चे सुबह खा के गए हैं स्कूल, नाश्ता हमने यही किया था बच्चों ने, मैंने तो नहीं किया था, बच्चे यही नाश्ता करके गए हैं। अभी भी दूध ज्यादा है तो निकाल लूँ इसमें, ये फातिमा को गर्म करके दे दिया था फिर इसमें निकाल लेती हूँ। ज्यादा चाय बनाऊँ तो फिर पड़ी रहती है सारा दिन, इसके नीचे भी आग लगा देती हूँ। साग मेरी फ्रेंड ने दिया था, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने नहीं बनाया। वैसे मेरा दिल कर रहा है कि आज या कल मैं साग बनाऊं, तो साग वो शॉप वाला जो है ना भाई वो लेके नहीं आ रहा, जैसे ही वो लेके आएगा तो फिर मैं बनाऊंगी। मैंने उसे बताया था भाई आप लेके आए तो मुझे जरूर बताना। कह रहा बाजी मैं लेके आता था तो कोई लेता नहीं था, मैं नहीं लेके आ रहा तो सारे मांग रहे हैं। मैंने कहा आप हमें तो ला के दो। चले जी, यहाँ पे चाय हो रही है तैयार और यहाँ पे हमारा तड़का लग रहा है। प्याज तो हमारे हो गए हैं ब्राउन, तो अब मैं ये जो साग है ना इसको सारे को ना इसमें डाल देती हूँ। नमक मिर्च नहीं डालनी, नमक मिर्च पूरी है। ये कल भी मैंने थोड़ा सा तड़का लगाया था तो आज भी मैंने कहा यही हम लगाते हैं साग जो है ना तड़के वाला, और साग पराठे बनाती हूँ। और साथ ही मैं पेड़े बना लेती हूँ, जो पराठे बनने हैं तीन बनने हैं तो तीन पेड़े बना लेती हूँ। बिस्मिल्लाह, रात को ही गूंद के मैं रख लेती हूँ क्योंकि मैंने जॉब पे जाना होता है तो फिर मेरे से आटा बार बार नहीं गूंदता, तो रात को मेरी बेटी या मैं गूंद के फ्रिज में रख देते हैं। तो अब ये हमारा सारा दिन आज चलेगा, तो जब खत्म हो जाएगा फिर मैंने ऐसे ही दो तीन टाइम का गूंद देना है क्योंकि मैं बार बार नहीं गूंदती। और पराठे मैंने सिंपल ही बनाने, जैसे मैं पहले बनाती हूँ, अब तो मैं बल वाला बनाती हूँ ना तो बच्चे बड़ा पसंद करते हैं, चाय के साथ खाते हैं। तो आज मैंने ना टाइम शॉर्ट है मेरी, जल्दी जल्दी जॉब भी 9 बज गए तो मैंने निकलना है। ये देखे ये हमारा बन गया एक पेड़ा। अब ये साग में नीचे उतार लेती हूँ, इसको लग गया तड़का और साफ ही जो है वो है नहीं है, ये भी एक तरीका है उतारने का। तवा रखने ऊपर, तवा मैंने धो लिया था क्योंकि बाहर पड़ा होता है तो फिर कोई चीज ही ना ऊपर लगी हो, मैं धो लाई थी। और यहाँ पे ढक दूं, बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ, पराठा बनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मजे की खुशबू आ रही है साग की ना। फातिमा को दूध दिया वो लेके चलेगी, उसको दही और पराठा पसंद है। दही भी मैंने लगाया हुआ है तो वो अभी तक मैंने निकाला ही नहीं है, आटे वाली ड्रमी में रख देती हूँ तो वो बड़ा अच्छा जम जाता है, वो भी जाके चेक करती हूँ।
चाय भी पकना शुरू हो गई है। इसको पहले तैयार कर लेती फिर दूसरा करूंगी। आज इतनी धुंध पड़ी हुई थी ना, तो अभी कम हुई है इतनी। जब सुबह उठी है मेरा बेटा जब गया है, तो फिर उसके बाद दोबारा इतनी ज्यादा सेन में कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। वो कह रहा मम्मा गली में तो कोई चीज भी नजर नहीं आ रही। मैंने कहा हाँ जी ये आज ज्यादा पड़ी हुई है। इसको चूल्हे को पता नहीं क्या मसला है। पराठा हमारा हो गया तैयार, तो अब मैं अंडा भी साथ फ्राई करती हूँ, वो फातिमा ने खाना है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो नाश्ते का वेट कर रहे हैं, उनका आज रिक्शा खराब हो गया था तो वो ठीक कर रहे थे, तो अभी अंदर गए हैं कि नाश्ता भेज दो जल्दी से। साथ ही फातिमा का अंडा भी ले जाती हूँ बना के, उन्हें अपना ही रोला डाल देना होता है। नमक डालूं पहले ऊपर, जी साइड चेंज कर दी, बन तैयार हो गया, तो मैं ये भी उतार लेती हूँ। बिस्मिल्लाह ये नाश्ता मैं दे के आई, तो फिर हम लोग अपना बनाते हैं। हस्बैंड को और छोटी बेटी को तो नाश्ता दें वो कर रहे हैं, तो अब मेरा पराठा और मेरी बेटी बड़ी का ये है, और फिर हम नाश्ता करेंगे। तो फिर मैंने जल्दी से अपनी जॉब पे निकलना है, अब जल्दी जल्दी काम हो रहा है। मेरी फ्रेंड का फोन आया था, लेट हो गए, जल्दी से आ जाओ। मैंने कहा वीडियो बन रही है, कह रही छोड़ दो एक दो दिन आगे कर लो। मैंने कहा नहीं नहीं बस बन गई, आ रही हूँ। तो अब ये है कि जल्दी जल्दी नाश्ता करके तो मैं अपना निकलूं। 3 दिन का हमारा वर्क है जो हमने फील्ड में जाके करना है। मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी जॉब का जो है ना, वो भी कभी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरा काम क्या है, मैं क्या काम करती हूँ और कैसे फील्ड में काम करती हूँ। ये लास्ट पराठा था, ये भी बन चुका है। तो ये देखे माशाल्लाह कितना प्यारा बना है। तो साग हमारा जो है ठंडा हो गया था, मैं इसको थोड़ा सा फिर घी डाल के तवे पे तो करती हूँ, तवे पे करे ना गरम तो बड़ा मजे का लगता है। तो अब ये मैं जितना हमने खाना है कर लेती हैं। जल्दी जल्दी से मुझे ये है कि मैं काम खत्म कर लूं। चीजें वगैरह तो मैंने इधर ही सारी समेट दी है, क्योंकि फिर दोपहर का खाना भी इधर ही, मैं खाना इधर ही बनाती हूँ। 3 टाइम वीडियो बने या ना बने मैंने इधर ही काम करना है। अब ये हमारा अच्छे से हो गया गरम, बड़ा मजेदार सा, और आग मैंने कर दिया बंद। तो अब पराठे के ऊपर ही डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह, तवे पे ठंडा नहीं होना था तो अब पराठे पे ही डाल लिया, और हम दोनों करती हैं नाश्ता। तो फिर मिलते हैं आपसे नाश्ता करके।
जाने लगी हूँ मैं जॉब पे, तो मैंने कहा चले आपको भी अल्लाह हाफिज कर देती हूँ तो निकलती हूँ। पहले ही इतने फोन आ रहे हैं, हमारा ना 3 दिन का कोई है काम, वो चल रहा है, तो वो हमने फील्ड में जाके करना है, तो आज जाना है हमने आउट ऑफ फील्ड, अपनी कम्युनिटी में नहीं जाना। तो अब मेरे व्लॉग का मैंने कर देना है यहाँ पे एंड, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।